नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे संगठनों के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी नाटो के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे गोल्फ कोऑपरेशन ट्रेटी के बारे में, खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में, ठीक है। याद रखिए, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन संगठनों से संबंधित लेक्चर ख़त्म होते जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक। गोल्फ कोऑपरेशन ट्रीटी, इसकी स्थापना की बात करें तो 25 मई 1981 को। इसकी स्थापना कब हुई? 25 मई 1981। इसका मुख्यालय सियाद सऊदी अरब में, सियाल सऊदी अरब में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब। याद रखिए खाड़ी देश हैं, लेकिन मैं ईरान इराक शामिल नहीं है। क्या? इराक शामिल नहीं है, ठीक है। कौन कौन शामिल हैं? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ठीक है। इसका मुख्यालय सियाल सऊदी अरब में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, 25 मई 1981। याद रखिए यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके उद्देश्य की बात करें तो एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों के बीच हर क्षेत्र में सहयोग करना, निम्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए नियम बनाना, आर्थिक और वित्तीय मामले, शिक्षा और संस्कृति, स्वास्थ्य और समाज, सूचना और पर्यटन के क्षेत्रों के लिए नियम बनाना, ठीक है। अब बात कर लें भारत और UGCC के बारे में, खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। अनेक प्रवासी भारतीयों का निवास स्थान भी है, खाड़ी देशों में रहते हैं, ठीक है। अनेक भारतीय खाड़ी देशों में निवास करते हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये, तेल और गैस जरूरतों को पूरा करते हैं एक खाड़ी देश भारत की। भारत और गोल्फ कोऑपरेशन GCC आर्थिक सहयोग 2004 फेमबर्ग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए हैं भारत ने। 2006 और 2008 में मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता भी हुई है भारत और GCC के बीच। तीसरी वार्ता के लिए प्रयास जारी है, ठीक है, याद रखिए। तो ये था आपका खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे UNDP के बारे में। किसके? UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है,